नाम सुनते ही भड़क उठे प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोले कि तोड़ देंगे मीडिया वालों का हाथ पैर। जी हाँ, ये मामला बक्सर जिले का है, जहां क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने के लिए बक्सर जिला के 61 प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रभात रंजन जी जब गए तो पहले से घोर कुव्यवस्था की मार झेल रहे क्वारंटाइन हुए लोगों ने अधिकारी महोदय से अपनी परेशानियां बताना शुरू किया तथा इस परेशानियों से अधिकारी महोदय रूबरू भी हुए। लेकिन अफसोस, महोदय परेशानी दूर करते या नहीं करते, बातों का सकारात्मक सहानुभूति तो दे देते, क्योंकि क्वारंटाइन हुए लोग कोई जेल के कैदी नहीं है, कोरोना काल के मारे हुए एक इंसान है। लेकिन अधिकारी महोदय ने इन पीड़ित लोगों पर अफसर का रुआब दिखाना उचित समझा। इस व्यवहार पर क्वारंटाइन सदस्यों को आत्मविश्वास नहीं मिलने पर महोदय से मीडिया को बुलाने की बात कह डाली। मीडिया के नाम सुनते ही अधिकारी महोदय का गुस्सा बेकाबू हो गया और उन्हें मीडिया का हाथ पैर तोड़ देने की बातें कही। हालांकि बता दें कि उस समय कहीं भी कोई मीडिया कर्मी नहीं थे, लेकिन पावर के नशे में चूर अधिकारी अपने आप को उस क्षेत्र का शासक समझ रहे थे, क्योंकि वह कुछ भी करें, गलत करें या सही करें, कोई उनसे सवाल पूछ नहीं सकता। वह तो सरयाम यही कह रहे हैं कि मीडिया का कोई हिम्मत नहीं है, अगर मीडिया वाले आ जाएंगे तो उनका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी 61 आज उच्च विद्यालय 61 में क्वारंटाइन सेंटर देखने के लिए उनके क्वारंटाइन सेंटर में आवासीय तेल व्यक्तियों की सुविधा मुहैया कराने के लिए जांच करने गया। वहां जाने के बाद जानकारी मिली कि जनरेटर बंद है, तो हमने पता किया तो जनरेटर चालक 1.5 घंटा के लिए कहीं चला गया था, हमने उससे बुलवाया और जनरेटर चालू करवाया। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताज़ा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे यूट्यूब चैनल और बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।